दोस्तों इंडिया के तेजस को लेके बहुत डिबेट्स है। कई डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और कईयों का कहना है कि ये ओवर प्राइस्ड है और इसकी कैपेबिलिटीज लैक करती है। इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, USA, इन सभी कंट्रीज ने तेजस को लेके इंटरेस्ट तो दिखाया बट अल्टीमेटली कोई डील साइन नहीं हुआ। तो क्या गलत हो गया हमारे इंडिजिनसली बनाए गए तेजस के साथ, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक का बटन प्लीज दबा दीजिए। दोस्तों तेजस का करेंटली 3 प्रोडक्शन मॉडल है, Tejas Mark 1, Tejas Mark 1A एंड ट्रेनर वेरियंट। इसको पहली बार 1980s में डेब्यू किया गया था, फिर 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेजस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। गोल था कि एक एडवांस्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाया जाए जो आउटडेटेड रशियन फाइटर्स को रिप्लेस कर सके। मेनली MiG-21 बाइसन जो उस टाइम बैकबोन था इंडियन एयरफोर्स का। एक टाइम ऐसा भी था जब इंडियन एयरफोर्स के पास 874 के आसपास MiG-21 बाइसन थे। 1981 के लॉन्ग टर्म रीइक्विपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग मेजोरिटी के MiG-21 एयरक्राफ्ट अपने रिटायरमेंट पीरियड में पहुंच जाएंगे 1990s तक। तो 1990s तक IAF 40% फायर पावर लूज कर देगा, जिस वजह से ये गैप फिल करना जरूरी हो गया था। तो 1990 में इंजीनियर्स ने तेजस के फाइनल डिजाइन को एक्सेप्ट किया, जो कि एक छोटा सा टेललेस कॉम्पाउंड डेल्टा विंग फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो फ्रेंच डेल्टा विंग फाइटर्स को रिजेंबल करता है। डेल्टा विंग डिजाइन से जेट को रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी मिलता है, जिससे जेट बेटर मनूवर्स कर सकता है। बैटल फील्ड में ये एयरक्राफ्ट कई रोल्स एक साथ निभा सकता है, जैसे कि इंटरसेप्शन, एयर टू सर्विस, एंटी शिप टास्क। ये सभी एक साथ एक सिंगल मिशन में ये कैरी आउट करने में सक्षम है। इस फाइटर में टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, एक इसके पोर्ट साइड एयर इनटेक के नीचे और एक इसके मेन फ्यूसलाज के नीचे, एंड 3 हार्ड पॉइंट्स ईच विंग के नीचे हैं। ये वेट हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें ड्रॉप टैंक्स को कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा सेंसर पॉड्स जैसे कि FLIRIST या फिर एक लेजर रेंज फाइटर डिजिग्नेटर को अटैच किया जा सकता है। मार्क 1A वेरिएंट में एक रिफ्यूलिंग प्रोब को ऐड किया गया है। अगर वेपन्स की बात करें तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि IDER-B एंड अस्त्रा मार्क 1 को कैरी कर सकता है। साथ ही क्लोज कॉम्बैट के लिए FOX-2 मिसाइल्स जैसे कि R-73, Python-5 एंड SRAMs को कैरी करने में सक्षम है। इसमें एक 23mm ट्विन बैरल ऑटो कैनन है जो इसके एयर इनटेक के नीचे लोकेटेड है। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे हम जानते हैं BrahMos-NG यानी नेक्स्ट जेनरेशन, इसको भी इसमें लगाया जाएगा। इसमें राडार अब्सॉर्बमेंट मटेरियल की कोटिंग करी गई है, साथ ही इसकी स्मॉल साइज और वाइड डक्ट इनटेक जो इंजन कंप्रेसर ब्लेड्स को ढक देता है एंड मेनी मोर फैक्टर्स इसका राडार क्रॉस सेक्शन काफी कम कर देता है। इसके मेन बॉडी को एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, टाइटेनियम एलॉयस एंड कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट मटेरियल्स से बनाया गया है। दूसरे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स के कंपैरिजन में इसके एयरफ्रेम में लार्जेस्ट परसेंटेज में कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल करा गया है। विंग के अपर एंड लोअर सर्फेसेस, विंग स्पार्स एंड विंग रिप्स कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट्स से बने हैं। एयरफ्रेम में कॉम्पोजिट मटेरियल्स का ज्यादा इस्तेमाल इसे लाइटवेट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी बना देता है। ये केवल एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को ही इम्प्रूव नहीं करता बल्कि इसे रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है फैटिक फ्रैक्चर्स से। नेवल तेजस का ड्रूप डिजाइन है जिससे बेटर विजिबिलिटी मिलता है। इसके लिफ्टकॉन्स कंट्रोलेबिलिटी को इम्प्रूव तो करता ही है, साथ में हाई एंगल्स ऑफ अटैक एंड स्लो स्पीड में भी बेटर हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। इसके 2 नेवी वेरिएंट है, NP-1 एंड NP-2। इनमें कैरियर लैंडिंग्स के लिए एरेस्टर हुक सिस्टम है और इम्प्रूव्ड लैंडिंग गियर्स भी है। तेजस मार्क 1A में इजरायली एल्टा ELM 2032 राडार को फिट किया गया है और अभी बात चल रही है कि इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड उत्तम AESA राडार को इसमें फिट किया जाएगा। साथ ही इसमें एक डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट है जिसमें राडार वार्निंग रिसीवर, एक इंटीग्रेटेड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, चाफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर सिस्टम्स है। मार्क 1A में एक नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट और अपडेटेड एवियोनिक्स रहेंगे। तेजस पॉड बेस्ड सेंसर्स को भी कैरी कर सकता है, जैसे कि राफेल लाइटनिंग 3 टारगेटिंग रिकॉनिसेंस पॉड, इसको भी अपग्रेड करा जाएगा जिससे लाइटनिंग 4i के नाम से जाना जाता है। और इसको फिट करने से तेजस रिकॉनिसेंस, सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा।
दोस्तों तेजस के एरोडायनामिक्स बेस्ड है डेल्टा विंग लेआउट और शोल्डर माउंटेड विंग्स पर। कंट्रोल सरफेस में तीन सेक्शन स्लैट्स हैं। विंग्स के आउटर लीडिंग एज में ये स्लैट्स एयरक्राफ्ट को वॉर्टेक्स लिफ्टओवर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हाई एंगल ऑफ अटैक स्टेबिलिटी मिलता है। दोस्तों तेजस का जीरो क्रैश रिकॉर्ड है इसके इंप्रेसिव फ्लाई बाय वायर सिस्टम की वजह से। इसके रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी डिजाइन के लिए NAL ने फुल अथॉरिटी क्वाड्राप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ओपन आर्किटेक्चर डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स इसके फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसिस को हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम में एक एडवांस्ड फीचर लगा है जिसे कहा जाता है ऑटो लो स्पीड रिकवरी, जिससे ये बहुत स्लो स्पीड्स में भी फ्री फॉल से बचता है। एक और एडवांस्ड फीचर है इसमें जिसे कहा जाता है डिसओरिएंटेशन रिकवरी, जिसे एक्टिवेट करने पर प्लेन अपने आइडियल स्पीड एंड हाइट में चला जाता है। अभी इंजन्स की बात करें तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगाया गया है जो 85 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है एफ्टर बर्नर्स के साथ। तेजस मार्क 2 में GE का F414 इंजन देखने को मिलेगा और इसमें कनार्ड्स भी होंगे। तेजस मार्क 2 विल बी ए गेम चेंजर फॉर इंडियन एयरफोर्स। एंड तेजस को अभी के लिए भले ही फॉरेन कंट्रीज से कोई ऑर्डर ना मिले हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये अपनी कैपेबिलिटीज के चलते ज़रूर एक अट्रैक्टिव चॉइस बनेगा। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। इस मुद्दे को लेके आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट्स पे बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।